हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली स्काई ब्लॉक के ऊपर। और आज अपना पहला दिन है जो कि हम वेदर की तैयारी करने वाले हैं। वेदर फाइट के लिए हम होने वाले हैं प्रिपेयर, और उसकी बात तो होगी वेदर फाइट, और देखते हैं वेदर फाइट को किस तरह हैंडल करते हैं। तो ठीक है, आज वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और फ्रेंड को शेयर भी कर दें। ओके, तो ठीक है गाइस। ओके भाई, आंखें ज़्यादा पास तो नहीं गाइस, तो मैं आ गया हूँ फर्स्ट पर्सन मोड में। ओके, तो अभी मैं बता दूँ, पहले तो हम लोग चाहिए होंगे ऑप्सीडियन, जो कि हम बना सकें एक इंचेंटमेंट टेबल। ऑफकोर्स हमें इंचेंटमेंट टेबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी काम जो मैंने किया वो अभी दिखाता हूँ। अपने पास दो ऑप्सीडियन यहाँ पे पहले से लगे हुए, जो कि मैंने बना लिए थे जब लावा आया था यहाँ पे तब। ओके, और सबसे पहले मैं चलता हूँ लेके आपको इस एरिया में। तो विदर फाइट के लिए ये मैंने एरिया डिसाइड किया है, इधर है लास्ट में एकदम है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग जल्दी से, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर है। ओके, तो अभी बीच का रेंडर डिस्टेंस खुला हुआ है, फिर भी रेंडर नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दूर हो सकता है, और उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि इसके अंदर हम विदर स्पॉन करेंगे और यहीं पर होगी अपनी फाइट। और उम्मीद करेंगे कि विदर जो है वो हम लोग एक ही बार में मार सकें, एंड जब तक वो उस एरिया को तोड़ पाए तब तक उसको ख़त्म कर दें। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं वो जो एरिया है वो आ रहा है विदर फाइट का, और इसकी जो बाल हैं वो 5 स्टोन की बनी हुई है, यानी कि 5 ब्लॉक मोटी हैं इसकी बाल, ऊपर नीचे चारों तरफ। अभी जो इसका लेंटर है वो पढ़ना बाकी, वो मैं बाद में डाल दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ख़त्म हो गए थे कबल स्टोन, तो मैं दोबारा से लेने गया था इस वजह से। तो अभी तो मैं केवल आपको बॉल दिखाता हूँ चारों ओर, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। आप बॉल देख सकते हैं, ये जो है इसकी बॉल है, देख सकते हैं, मैं नीचे नहीं गिनना मुझे। ओके, तो पहले तो पहुँच जाता हूँ, उसके बाद मैं बॉल दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, तो ये इतना मोटा इसकी दीवार मैंने बनाई है, इतनी मोटी तगड़ी, जो कि किसी भी हाल में यहाँ पे जो बिदर है वो बाहर ना जा पाए। इतनी वो तो चला जाएगा आसानी से, लेकिन हम लोगों को क्या करना है ना, कि जब तक वो जाएगा ना तब तक हमें अपना काम कर देना है। तो बस ये है, 5-6 ब्लॉक मोटी दीवार बना दी है मैंने। तो ये और ये चारों ओर हैं ये दीवारें, तो मैं दिखाता हूँ सारी। और ये भी दीवार ही है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ तक गई हुई है, और ये है अपना पूरा ग्राउंड। तो मैंने चारों दीवारें जो है वो बना रखी हैं, अभी लेंटर पड़ना बाकी है और टॉर्चेस लगाना बाकी है। जैसे ये काम कंप्लीट होगा वैसे हम लोग विदर से फाइट करेंगे, विदर से फाइट अभी नहीं करेंगे, इसलिए अभी हमें काफ़ी तैयारियाँ भी करनी है। वो सब तैयारी कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे विदर से फाइट। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से चलते हैं वापस, और अभी मैं एक सेकंड में गिरना नहीं। ओके, तो जल्दी से पहुँचता हूँ मैं वहाँ पर। और गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं वापस से, और गाइस अभी मैं बता दूँ मैंने ये इसलिए बनाया हुआ है, तो ये बनाया हुआ है लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अपने पास लावा ऑलरेडी बहुत सारा है, तो लावा को ऑब्सीडियन कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर, और उसकी बाद हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने पास डायमंड भी खूब सारे हैं, मैंने सारे जब डायमंड इकट्ठे किए तो अपने पास टोटल करीब एक स्टॉक तो नहीं है, लेकिन एक स्टॉक के आसपास ही हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायमंड का पूरा सेट बनाते हैं, क्योंकि विदर से फाइट करने के लिए डायमंड तो चाहिए ही होगा। ओके, तो इधर चलते हैं, एक तो हमें ये बनाना है। ओके, उसके बाद एक हमें ये बनाना है। ओके, और एक हमें ये बनाना है, और एक हमें ये बनाना है, 4 डायमंड इसके गए। ओके, अभी ये हो गया, अभी एक सॉर्ड बनाएंगे और एक पिकशेक बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक बन जाएंगे, इतने डायमंड हैं अपने पास, तो हमें गुड़ लानी पड़ेगी, गुड़ की कमी नहीं है। और उसके बाद हम इंचेंटमेंट टेबल भी बनाएंगे, तो गुड़ एयरिंग 20 और इंचेंटमेंट। एक सेकेंड, बुक्स कहाँ हैं, जो बुक्स हमको मिली थी बुक यहीं कहीं पड़ी होंगी, एक्चुअली शायद इसमें होंगी। ओके ओके, तो ये रही 48 बुक्स। ओके, तो ये लेता हूँ मैं, और इसमें कुछ नहीं। ओके ओके गाइस, तो 48 में आई थिंक काम नहीं चलेगा, तो हम अभी और थोड़े से माइन कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको आल पे लगा लेते हैं, इससे ज़्यादा ठीक इजी रहता है। ओके, तो ये मैंने बना ली 8, और उसके बाद एक बना ली डायमंड की सॉर्ड, और एक बना लिया मैंने डायमंड की पिक शेक। ओके, और अभी अपने पास कितने बचे हुए हैं, 29 हैं अभी अपने पास। ओके, और अभी मुझे ये भी बनानी है,
एक सेकंड, मुझे बोर्ड लानी पड़ेगी, बोर्ड लेके नहीं आया। ओके तो जल्दी चलते हैं, बोर्ड लेके आते हैं। यहाँ पे रखे हो गए, ओके एक स्टॉक ले लेते हैं, एक स्टॉक ये ले लेते हैं, एक स्टॉक ये ले लेते हैं। एक्चुअली एक स्टॉक नहीं है वो, बट सही है जो कुछ भी है वो है। और उससे पहले हम चलते हैं 100 लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक सीरियस मिशन पर हैं और यहाँ पे हम पंगा नहीं लेना चाहते। अभी रात ही नहीं हुई, तब तक मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, रात तो हो रही है, कन्फ्यूज हो रहा हूँ भाई मैं। भाई जल्दी से रात हो जाए अगर तो हम लोग आसानी। एक संग ये गाय साहब ने देख फूल हो गई हैं और इनके अंदर मछलियाँ जो हैं बढ़ तो रही नहीं हैं। चलो छोड़ो, रात में ही काम कर लेंगे, गेट बंद कर देंगे हम लोग यहाँ से इस तरह से, अब हम रात में ही काम करेंगे ईजली। ओके तो अभी हमें क्या बनाना है, ये बुक शेल्फ बनानी है। ओके जितनी बन जाए उतनी ठीक है। तो टोटल 16 बनी है और अभी हम देखते हैं हमें और ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो इंचेंटमेंट टेबल में देख लेता हूँ एक सेकेंड। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 ऑब्सीडियन और एक बुक। ओके तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिर अपने पास बुक्स तो सारी ख़त्म हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, बुक्स हमें और मिल जाएंगी। अभी हम लोगों का जो फेस चल रहा है वो चल रहा है अपना स्पेशल फेस। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो डायमंड का आर्मर है ना वो मैं रख देता हूँ इसके अंदर एकदम सेफ, ये सारा आइटम। तब तक कि हम एंचेंटमेंट टेबल नहीं बना ले तब तक कि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके और मैं देखता हूँ अभी हमें बुक शेल्फ कितनी और चाहिए होंगी या फिर काम हो जाएगा इतने में ही। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर लाइन लगानी थी, मैंने गलती कर दी, बट कोई नहीं, मैं इस एरिया को तोड़ के यहाँ बुक शेल्फ लगा दूंगा इस तरह से। और ये भी गलती होगा, चलो कोई नहीं, वो हमें वापस से बनानी पड़ेगी ये भी। ओके और ये वाली गलत बन चुकी है तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ और इस तरह से लग गई। ओके गाइस तो बुक सेल्फ जो है हमें बहुत ही कम बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी ही बनानी पड़ेगी मतलब, और इंचेंटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी जो कि हम अभी बना लेंगे। तो बुक्स हमने 6 निकाल ली है वापस से और अभी हम इधर चलते हैं और एक और बना लेते हैं, क्योंकि एक ही बनेगी क्योंकि एक हमने तोड़ी है इस वजह से। ओके तो 3 बुक बच भी गई। एक सेकेंड गाइस, 3 बच कैसे गई ये नहीं समझ में आया मुझे। देखो ओ भाई साहब, मैंने 2 तोड़ी थी गाइस और मैं एक बना रहा हूँ तभी बच रही है यहाँ पे। तो अभी मेरे पास वुड ख़त्म हो गई है, वुड तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, वुड की कमी नहीं है अपने पास, एक ही पहले से रखी हुई है मैं। ओके तो अभी हम इसमें तो पहले तो बोर्ड बना लेते हैं। लो भाई हो गई बोर्ड अभी तो। ओके ये तो अभी ये दोनों बना ली मैंने अभी, ठीक है अभी चलते हैं और लगाते हैं चलते, उसके बाद ऑब्सीडियन बनाएंगे हम। ओके ये और ओके ओके तो अपना काम हो गया है। अभी यहाँ पे इंचेंटमेंट टेबल लग जाएगी। ओ भाई ये तो पूरा था, मुझे लगा कि ये कारपेट लगा हुआ है, चलो कोई नहीं फिर वापस फिट कर देंगे। यहाँ पे इंचेंटमेंट टेबल रख जाएगी अपनी और उसके बाद जो लेवल 30 है ना वो अनलॉक हो जाएंगे इतने में ही। और अभी हमें जो करना है वो करते हैं, एक सेकंड पहले तो 100 लेते हैं, सुबह करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ऑब्सीडियन बनाते हैं। ओके और ऑब्सीडियन 2 अपने पास पहले से हैं और हमें चाहिए होंगे टोटल 4 ऑब्सीडियन, 2 पहले से 2 बनाने पड़ेंगे, 2 बना लेंगे, लेकिन ऑब्सीडियन माइन करने के लिए हमें डायमंड पिक्सेल लेनी पड़ेगी यहाँ से। ओके तो ले लेते हैं, वैसे भी इससे ज़्यादा इसका और कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर, तो इसी के लिए बनी हुई है स्पेशल। ओके तो हम पहले तो भाई इनसे भी निपटना पड़ेगा। आ जाओ भाई, क्या बात है, फाइट करने का इरादा नहीं है क्या? ओके तो इनका खेल खत्म। ओके तो भाई क्या कर रहा हूँ मैं, वो लग गया, लगा रहने दो, टूट जा भाई जल्दी से, कम ऑन, टूट गया। और एक ये वाला तोड़ना है हमको। ओके टूट गया। ओके गाइस तो ये हो गया अपना काम और यहाँ से जंप से तो काम चलेगा नहीं, कोई बात नहीं, हमें वो लगाना था।
मैं यहाँ पे एक छोटा सा अलग लेवल का जीना बना दिया फिलहाल मैंने। और अभी हम चलते हैं अपने नेदर वाले एरिया में और यहाँ से लेके आते हैं 2 लावा की बकेट। केवल 2 में ही काम हो जाएगा अपना। और इसे अगर इधर रखने ये ओके गाइस, तो अभी हम इसको रख देते हैं इजीली एकदम, इसमें डाल देते हैं, मैं रखना क्या है इसमें। ओके, और एक बकेट में काम हो जाना चाहिए, हो गया। ओके, तो ऑब्सिडियन हमने बना लिए हैं 2 और अभी इनको माइन करने की बारी। और उसके बाद अपनी एंचेंटमेंट टेबल हो जाएगी कंप्लीट। नहीं नहीं अभी नहीं होगी, अभी हमें बुक्स और चाहिए होंगी और बुक्स हमें मिलेंगी थोड़ी सी माइनिंग और करके। तो कोई नहीं, हमें 1 बुक चाहिए और 3 मिलेंगी। चलो कोई बात नहीं, अपने पास एंचेंटमेंट टेबल के लिए हिसाब जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है पूरा। थोड़ा बहुत बचा है वो मैं अभी कंप्लीट करता हूँ। उसके लिए मुझे ये जो है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। लो भाई, मैंने गलत चीज तोड़ दी। ओके गाइस, तो ये सब भी ले। और अपने पास ये जो एप्पल आ रहे हैं ना गोल्ड, ये मुझे चाहिए एक्चुअली। और वैसे भी इंचेंटमेंट अच्छे अच्छे आ ही रहे हैं, बट फिर भी लोबो भी टूट गया भाई, अपने तो दिन ही खराब है। चलो, और यहाँ से हम ऊपर भी नहीं जा सकते, यहाँ से तो जा सकते हैं ना जी। ओके गाइस, तो अभी तो हमें पहले एक पिक्शेक बनानी पड़ेगी। हाँ, आयरन पड़ा होगा यहीं कहीं भाई, आयरन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे अपने पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ऑब्सीडियन अपने पास पहले से थे 4, क्या बात है। ये शायद मुझे मिले थे ऐसे रैंडमली, कहीं मिले होंगे फालतू माइन के मैंने। इसमें तो नहीं है आई थिंक, इसमें तो पक्का नहीं है, तो अब वो किसमें मिलेगा। आयरन चाहिए मेरे को। ओके, तो मैं बनाता हूँ जल्दी से। ओके गाइस, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। और भाई ये फालतू चीज़ें ना दिया करो अभी, अभी मूड नहीं। तो जल्दी से माइन भाई बच गया। तो इसमें है पावर 4, चलो पावर 5 का इंजेंट मिल जाएगा हमको इसके चलते। तो इन्वेंट्री फुल होने लगी वापस से, एप्पल बची गया था। कोई नहीं, हमें चाहिए वो। एक सेकेंड गाइस, भाई गिलिच, अच्छा मुझे लगा गिलिच है, ये चीज़ आ गई है। और मैं फिर से नीचे आ चुका हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से आ जाए बुक सेल। बोलो भाई फिर से तोड़ दी। मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा हूँ। और इसमें क्या था साथ में, पावर प्रोटेक्शन और ये है मेंडिंग। भाई साहब मेंडिंग की आ चुकी भाई, ये तगड़ी तगड़ी बात हुई कि हमको मेंडिंग मिल चुकी है। ओके, तो एक सेकेंड, अभी मुझे फेंकना पड़ेगा। मेंडिंग वन की 2 मिल चुके हैं गाइस। तो ये अपना लक ही समझो कि हमको मेंडिंग की 2 किताबें मिल चुकी हैं। और उसके बाद अभी मेरे पास जो चेस्ट है वो, एक सेकंड, मुझे चेस्ट अभी यहाँ से निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। और भाई क्या सीन हो रहा है, और ये सब रखता हूँ मैं चेस्ट के अंदर। मेंडिंग वन, उसके बाद शार्पनेस 4, पावर 4 और प्रोटेक्शन 4। और उसके बाद एक यहाँ पर पड़ी हुई थी, इसे उठा लो। और ये है मेंडिंग बन की भाई, 3 मिली है हमको, 3 मिली है मेंडिंग बन की। भाई मज़ा आ गया, ये सबसे फेवरेट इंचेंटमेंट है मेरा। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि हमको मेंडिंग की काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी हैं। और अभी इसका फ़ायदा क्या होने वाला वो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। हम एक पिक्सेक बनाएंगे, पिक्सेक नहीं, वो केवल तलवार पर अच्छी लगती है। चलो तो बस हम बाद में देखने, फिलहाल इसको तोड़ते हैं। और जल्दी से हमको बुक चाहिए एक। और गाइस, तो अभी मैंने काफ़ी देर माइनिंग कर लिया और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये सब आए जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी आज की वीडियो से रहना है। थैंक फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम इंचेंटमेंट टेबल बना लेंगे, उसके बाद एक एरो बो बना लेंगे बहुत ही पावरफुल, और अपना पूरा जो आर्मर है उसको भी इंचेंट कर लेंगे, बाकी का सारा काम कर लेंगे। और हो सकता है उसके बाद जो एपिसोड आएगा उसमें हम अपना जो बाकी काम है यानी विदर को मारने का, वो हम कम्प्लीट कर लें। तो ठीक है, आज इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब मार दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, साथ में फ्रेंड्स साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।